हाय एवरीवन, आई एम अशोक कुमार। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइस, हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। उसमें अभी नाउन को हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन और उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में। इससे पहले मैंने काइंड्स ऑफ नाउन पे एक वीडियो बनाया जिसमें कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी की बहुत सारे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इनकी डेफिनेशंस है, इसको डिटेल में समझाया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर इसको समझ लें। यहाँ पे भी मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। तो चलो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन, मीन्स कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। जिस तरह नाउन के जो है दो दो काइंड्स हैं, एक कॉमन नाउन दूसरा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में देखते हैं कॉमन नाउन के बाद सब क्या है। एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग, प्लेस ऑफ द सेम काइंड आर क्लास, एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, साइंस, टाइम। तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो के नाम दिया जाता है इन कॉमन टू एवरी पर्सन, मतलब हर शख्स को, हर जगह को, हर प्लेस को और हर एक्शन को, हर हालत को, हर क्वालिटी को, हर साइंस को, हर वक्त को हम नाम दे देते हैं इन कॉमन। इन कॉमन मतलब आम तौर पर उन सभी को, उन सभी का एक नाम दे देते हैं तो उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जिस तरह अभी मेरा नाम अशोक है तो मेरे सभी का नाम तो अशोक नहीं होगा ना। मेरा नाम अशोक है तो मैं आ गया है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ये होगा तो आई एम ए मैन। मैन तो मैन क्या, सब मैन जो है, सब मर्द जो हैं वो एक ऐसे जेंट्स का नाम दे देते हैं जो कि इन कॉमन है, वो सभी मर्दों के लिए। तो वो सभी मैन जो लफ्ज़ है वो सभी मर्दों के लिए नाम है तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन है। जिस तरह ये थिंग है, थिंग ये मैं अभी मेरे हाथ में ये मार्कर कहें या इसको हम पेन कहें, ये मार्कर क्या है, ये एक चीज़ है। तो इस मार्कर या पेन से मेरा ये कि जो सभी जो पेन्स हैं, सभी जो कलम हैं उनको हम पेन कहेंगे। प्लेस, सभी किस्म की जगहें जो हैं उनको हम प्लेस कहेंगे। ऑफ द सेम काइंड आर क्लास, तो ए पर्सन, थिंग, प्लेस जो एक ही किस्म की हों या एक ही जमात की हों या एक ही दर्जे की हों तो उनको हम एक नाम दे देते हैं इन कॉमन, मतलब आम तौर पर उनको नाम देते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स इंक्लूड कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में शामिल होते हैं कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे मैं इनका इंट्रोडक्शन कर रहा था आपको, पहले इससे पहले जो वीडियो उसमें मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है, पहले वो आप वीडियो देख लेना। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का मतलब है एज ए ग्रुप में, एज ए ग्रुप या एज ए होल, ग्रुप को या पूरी टीम को, जो हम पूरी क्लास को, पूरी नस्ल को हम एक नाम दे देते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाम उन चीज़ों को नाम देते हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं तो उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम्स ऑफ एक्शंस, नेम्स ऑफ एक्शंस, क्वालिटीज, स्टेट्स, ये आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मोस्ट कॉमन नाउन्स हैव प्लूरल्स, ज़्यादातर जो कॉमन नाउन्स हैं उनके प्लूरल्स बनते हैं, उनके प्लूरल्स होते हैं। जिस तरह गर्ल का गर्ल्स बन जाता है, मैन का मैन बन जाता है, बॉय का बॉयज बन जाता है, सिंगुलर प्लूरल। ये सिंगुलर प्लूरल का भी हमारा आगे टॉपिक आएगा, वो उसमें हम सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थी कॉमन नाउन की डेफिनेशन। और अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। ये किसी खास शख्स, किसी खास जगह, किसी खास चीज़ का नाम है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर्स, मतलब हमारे जो ए बी सी के जो बिग लेटर्स हो गए, ए बी सी के बिग लेटर्स होते हैं, उनके उनसे उनको स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह किसी का भी हम नाम लिखते हैं तो इनिशियल जो उनका शुरुआती जो लेटर होगा उसको हम बड़ा कर देते हैं।
प्रॉपर मीन्स वंस ऑन, प्रॉपर का मतलब है वंस ऑन और पर्टिकुलर। वंस ऑन मतलब किसी का अपना, जिस तरह आई एम ए बॉय, तो बॉय का मेरा अपना जो नाम है वो अशोक है, तो वो अशोक हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर मतलब वो मेरा खास नाम है। सभी लड़के हैं तो सभी लड़कों का नाम तो अशोक नहीं होगा, सभी गर्ल्स हैं तो सभी गर्ल्स का नाम कायनात नहीं होगा, तो कायनात किसी एक लड़की का नाम होगा, अशोक किसी एक लड़के का नाम होगा, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मैंने मिसालें लिखी हुई हैं। अभी काइंड्स ऑफ नाउन, जो काइंड्स ऑफ नाउन में जो हम पढ़ रहे हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सभी हमने पढ़े हैं। इनकी एक और क्लासिफिकेशन है नाउन्स की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकाउंटिंग काउंटिंग सॉरी अकाउंटिंग नॉट बट काउंटिंग, काउंटिंग के बुनियाद पे उनको क्लासिफाई किया गया है, उनके काइंड्स बना दिए गए हैं। वो हैं दो काइंड्स है, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल्स नाउन्स वो जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल्स नाउन वो जिनको हम गिन नहीं सकते। ये टॉपिक इसके बाद, इस पे हम वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल में, बहुत सारे इसके हम एग्जाम्पल्स लाऊंगा आपके लिए। तो ये था कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की डेफिनेशंस और उनकी बारे में जो डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कौन से नाउन कॉमन बनते हैं या कौन से नाउन प्रॉपर बनते हैं। ये देखें, ये पहले मैंने इनकी लिख ली है, ये मैंने पहले वीडियो लिखा इसलिए ये लेक्चर, ताकि हमारे वीडियो का जो टाइम बच सके, वीडियो जो लंबा होता है वो थोड़ा कम हो सके। अब यहाँ पे देखें, ये बॉय, बॉय का नाम है जमील, तो बॉय एक इन कॉमन दिया हुआ नाम। बॉय एक ऐसा स्टेज है या एक ऐसा जेंडर है इंसान का, पर्सन्स का, उनको सभी को हम बॉय कहेंगे, मतलब वो इन कॉमन दे दिया, आमतौर पर उन सभी को एक ही नाम दे दिया है बॉय। जिस तरह मैन, मर्द, वुमेन, औरत, ये सभी को इनको सभी को हम एक ही नाम देते हैं, तो वो हो जाते हैं कॉमन। जमील, जमील तो अब देखें सब लड़के हैं, तो सभी लड़के सभी बॉयज का तो जमील नाम नहीं होगा। इस तरह अब ये गर्ल है, तो गर्ल सभी गर्ल्स का तो नाम जोरा नहीं होगा, जोरा किसी एक गर्ल का नाम होगा, तो किसी एक गर्ल का नाम हो गया, वो किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम हो गया, तो वो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ये गर्ल क्या है, गर्ल एक जेंडर है जो कि सभी गर्ल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। टीचर, टीचर तो सभी टीचर्स हैं। अभी मैं कहूँ यहाँ पे सर असद अली और टीचर साइमा, ये दो अलग अलग, ये फीमेल का नाम, एक मेल का नाम मैंने लिख दिया है, तो ये यहाँ पे उनका प्रॉपर नाउन नाउन हो गया है। हॉस्पिटल तो हस्पताल्स, हस्पताल, हॉस्पिटल्स जो है वो सभी हॉस्पिटल्स हैं। अभी हॉस्पिटल से तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन सी हॉस्पिटल है, मतलब ये तो इन कॉमन है सभी हॉस्पिटल्स, ये वर्ड जो है सभी हॉस्पिटल्स को शो कर रहा है, मतलब इन कॉमन नाम दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एक दो नाम लिख दिए हैं, बोन केयर हैदराबाद एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है बोन केयर हैदराबाद, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया। तो बोन केयर हैदराबाद किसी दूसरी किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं हो सकता। वो नेहा क्लिनिक, नेहा क्लिनिक वो है जो किसी दूसरी क्लिनिक या किसी दूसरी हॉस्पिटल का नाम नहीं हो सकता है, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। स्कूल, स्कूल तो सभी स्कूल्स हो गए, उनको हम जनरल में एज इन कॉमन हम नाम देते हैं स्कूल, तो ये सभी स्कूल। जिस तरह यहाँ मैंने दो नाम लिख लिए, एक GBPS भारमल जो गोट जी भारमल, ये मेरा स्कूल है, उसका मैंने नाम लिख दिया। तो जिस तरह हजारों स्कूल हैं, स्कूल्स हैं, सभी स्कूल का नाम GBPS भारमल तो नहीं होगा ना, किसी एक का होगा, पर्टिकुलर किसी स्कूल का होगा, तो हम उसको कहेंगे पर्टिकुलर नाम या प्रॉपर नाम कहेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद, ये भी किसी एक स्कूल का या कॉलेज का नाम है, तो ये भी हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कंट्री, कंट्री से मुराद सभी जो इस वर्ल्ड में ममालिक हैं, जो मुल्क हैं, वो कंट्रीज हैं, वो इनको इन जनरल इन कॉमन नाम दे दिया है कंट्री। अब जिस तरह ये पाकिस्तान, ये ईरान, में दो नाम लिख दिए हैं, ये एक पर्टिकुलर कंट्री है उनका नाम है। सिटी, सिटी से मुराद शहर, बड़े शहर, सिटी तो जिस तरह हैदराबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, कराची है, मीरपुर खास है, लाड़काना है, ये तो सभी बड़े बड़े सिटी हैं। तो अब सब तो सभी सिटी हैं, ये वो सिटी का मतलब सब सिटी को हम कह रहे हैं, उनमें सब आ जाते हैं। इस तरह अलग मैं इनको कराची और लाहौर नाम दे दूँ, तो वो गए हमारे क्या है प्रॉपर नाम हो गए। टाउन, छोटे जो शहर होते हैं,
वो सभी टाउन के लिए नाम हो। ये जो नाउन है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इन जनरल इन कॉमन सभी छोटे शहरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और छाछरो और डिप्लो ये दो क्या है, ये दो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन्स हैं, किसी पर्टिकुलर टाउन के नाम है। मंथ जिस तरह 12 महीने होते हैं तो मंथ तो शो कर रहा है, सभी मंथ्स को शो कर रहा है, क्योंकि ये इन कॉमन इन जनरल शो कर रहा है, तो हम इसको कहीं कॉमन नाउन। या मैंने दो नाम लिख दिए हैं महीनों के, एक मार्च दूसरा जून, ये दोनों क्या है, ये दोनों किसी पर्टिकुलर जो है मंथ है उसके नाम है। जिस तरह कैट, अब हम कभी कभी क्या करते हैं, जो घरों में लोग जो बिल्ली को या कुत्ते को या बकरी को या गाय को पालते हैं, तो बहुत सारे घर अगर किसी के घर में 10 गाय हैं या काउज हैं या 10-15 बकरियां हैं, गोट्स हैं, तो उनमें से कोई किसी एक को उनको अच्छी लगती है तो उनका कोई नाम रख लेते हैं। जिस तरह अगर किसी की पालतू घर में एक बिल्ली है, कैट है, तो उसको कैट को उन्होंने नाम दे दिया हुआ है, जो उनका नाम है जेरी, तो उस कैट को हमने नाम दे दिया, वो क्या हो गया, कैट तो सभी कैट को शो कर रहा है, ये जो कॉमन हो गया जाएगा हमारा। जेरी मतलब सभी कैट का नाम, कैट्स का नाम तो जेरी नहीं होगा, किसी एक का होगा। अभी रिवर, रिवर तो सभी नदियों को शो कर रहा है, रिवर का मतलब नदी, तो ये द इंडस रिवर जो है ये किसी एक प्रॉपर रिवर का नाम है, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। विलेज ये गांव है, ये गांव का प्रॉपर नाउन है। ओशियन समंदर ये और ये पैसिफिक ओशियन ये प्रॉपर नाउन है। माउंटेन K2 या माउंट एवरेस्ट ये माउंटेन्स के नाम है, प्रॉपर नाउन है। डे 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 जो हफ्ते में 7 7 दिन होते हैं, डे उन 7ों जो डेज हैं, 7 डेज है, उनको शो कर रहा है। तो ये हो, इन जनरल नाम दे दिया हमने सभी को, इन कॉमन नाम दे दिया, तो ये हमारा कॉमन नाम हो गया। उसके बाद देखें ये लिखा है मैंने यहाँ पे सामने थर्सडे, थर्सडे मतलब लिखा है प्रॉपर नाउन के कॉलम में, ये प्रॉपर नाउन है, किसी एक डे डे का नाम है, किसी एक दिन का नाम है। जिस तरह मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, इस तरह वो प्रॉपर नाउन है। ट्रेन, यहाँ में ट्रेन तो हमारे मुल्क में हजारों ट्रेन चलती हैं, तो सबको कॉमन में हमने ट्रेन ही कहेंगे, सभी को एक नाम दे देंगे ट्रेन। अगर मैं कहूँ थर एक्सप्रेस, जो थर पारकर में शायद चलती है, वो भारत की तरफ जाती है शायद, वो उसका नाम दे दें थर एक्सप्रेस, तो ये क्या हो गया, किसी एक ट्रेन का नाम हो गया है, तो ये ट्रेन जो है ये थर एक्सप्रेस, ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद हम देखें न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब है अखबार, तो हजारों अखबार न्यूज़पेपर्स आजकल आती हैं, तो न्यूज़पेपर में तो सभी ये वर्ड जो है इन कॉमन दिया हुआ है नाम सभी अखबारों को। द डॉन सिर्फ एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक खास अखबार है, उसको हमने नाम दे दिया है द डॉन, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब देखें आपने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ लिया होगा, उनके एग्जाम्पल्स मैंने तकरीबन दे दिए हैं। तो गाइज ये था हमारा वीडियो, अभी इससे पहले जो वीडियो बनाया हुआ है कलेक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर ये वीडियो देखना, तो आपका ये जो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आज यहीं तक, हम अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन